मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम शौहर हो मेरे, निकाह हुआ है हमारा। अगर कुछ हुआ था ऐसा तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? निकालो उसको यहाँ से। अंकल, मेरे बाबा की मौजूदगी में निकाह हुआ है मेरा अंकल। अगर तुम्हें ये निकाह मंजूर नहीं है तो साफ साफ इनकार करो। मुझे शादी मंजूर है। मिकाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस वक्त एनी के पास होना चाहिए ना। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो बहुत अपसेट है, और तुम ऐसी हरकत करोगे ना तो उसका मूड और ज्यादा खराब हो जाएगा। प्लीज कमरे में जाओ। आपने देखा नहीं हमारी कितनी इंसल्ट हुई है? मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी से नजरें मिला सकूं। मामू रानी तो उस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे हम उनके गुलाम हो। अब ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है बेटा। देखो, अब सारे मामला था तुम्हारे हाथ में, अब कुछ भी खराब नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना? तुम्ही को संभालना है सब कुछ। प्लीज बेटा जाओ। निकाल, मैं कुछ कह रही हूं तुमसे। फरनाज जी। अम्मी, देखो इस वक्त दरवाजे पे कौन आया है। आई आई, एक मिनट। अरे अमल, तुम यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बताओ ना अमल, क्या हुआ? बोलो कुछ। चलो कमरे में चलो, आओ। सब क्या है? अब क्या इसका मतलब भी समझा? ये मेरा कमरा है, मेरा बेड है। मैं आज बहुत बुरे मूड में हूँ। तुम मेरे साथ कोई बहस मत करो प्लीज। बस सीधा जाके सोफे पे सो जाओ। तुम इसमें मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। और जो मेरी इंसल्ट हुई है वो क्या किया मैंने, बोलो। जो तमाशा खड़ा हुआ है आज, भूल गए हो सब कुछ? तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि हम दोनों के खानदानों की इज्जत बच जाए, दैट्स इट। मतलब ये है कि जब तक मुझे इत्मीनान नहीं हो जाता कि वो लड़की अमल वाकई झूठ बोल रही थी, मैं तुम पे एतबार नहीं करूंगी। तुम सही कर रही हो। निकाल, सही गलत आई डोंट केयर। मैं बस ये जानती कि मैं एक ऐसे आदमी की बीवी नहीं बन सकती जिस पे किसी और का भी दांव हो। पर क्यों की ये शादी? इनकार कर देती ना करती खानदान का ख्याल? अभी तो अपनी मनमानी कर रही हो ना। चाहती तो यही थी लेकिन अपने अम्मी अब्बू की शक्ल देखकर नहीं कर पाई। फिलहाल मेरा यही फैसला, तो तुम्हें इसका एहतराम करना पड़ेगा। आओ अमल, बैठो आराम से। आराम से क्या हुआ अमल? तुम क्या बात हुई? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और तुम कहती थी ना कि हिम्मत दिखाओ, हिम्मत दिखाने से सब ठीक हो जाएगा। देख लिया ना हिम्मत दिखाने से क्या हुआ मेरे साथ। जो ताकतवर होता है ना वो कभी भी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है वो। उल्टा सबके सामने मैं जलील हो गई यार। सबने मुझे झूठा करार दिया, किसी ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया वहां पर। और तो और जॉब भी चली गई। देखो तुम ये सब नहीं सोचो, तुम एक काम करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। इस वक्त घर जाओगी तो तुम्हारी माँ तुमसे फिर पूछेगी, उससे तरह तरह के सवाल करके तुम्हारी रही सही जान भी निकाल देगी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन मेरा घर में बैठे रहना उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों क्यों किया ही क्यों मैंने ऐसा अपने साथ? मुझे करना ही नहीं चाहिए था ये सब कुछ।
और वो मिकाल इतनी बेरहमी और मुनाफ़कत का मुजाहरा कर रहा था कि जिससे वो मुझे कभी जानता ही ना हो, कोई ताल्लुक ही ना हो मेरा उससे, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया उसने, के सामने बेइज्जत कर दिया मुझे यार, किसी ने भी मेरी बात को यकीन नहीं किया, मैं बर्बाद हो गई फरनाज, कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास, क्या जवाब दूंगी अम्मी को, क्या करूंगी मैं अब, कुछ भी नहीं बचा, कहीं भी नहीं रही मैं। अमल प्लीज हौसला करो, प्लीज हिम्मत से काम लो, मैं हूं ना, हम देख लेंगे सब कुछ। फरनाज, फरनाज आई, मैं अम्मी की बात सुन रहा था, प्लीज हौसला करो, मैं अभी आ रही हूँ, दो मिनट में। अच्छा जी, क्या हो गया ऐसे, इतना क्यों रो रही? जॉब चली गई है बेचारी की, परेशान, इतनी रात हो गई, अब अकेले कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी? अम्मी आज रात को यही रुकेगी हमारे साथ। क्या? सुबह जाते हुए इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है, प्लीज जाकर सो जाइए। दरवाजा तो बंद कर लेती। सब खत्म हो गया फरनाज, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया फरनाज, किसी ने मेरे किया। उसकी शक्ल देखने वाली थी यार, काश तुम लोग होते, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं आए यार, you should have witnessed it यार, क्यों नहीं आए तुम लोग? बस यार, इसके अब्बा के साथ हैदराबाद चलना पड़ा काम से, दो घंटे पहले ही पहुंचे और सीधा तेरे पास आए। चलो वलीमे पे आओगे ना तुम लोग? हाँ हाँ यार, why not? वलीमे पे सब कुछ देख लेना। मगर शामिर एक बात बता, अगर मिकाल सबके सामने ये कह देता कि हाँ ये मेरी बीवी है, तब क्या होता? मेरा बाप उसे कॉलर से पकड़कर उसका हशर नशर कर देता। वैसे अजीब लड़की है यार, इतने दिन से वो वहां थी, तब तक तो वो कुछ नहीं बोली, और ऐन शादी के दिन। वैसे तुझे क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? अरे यार, ये लड़कियां ना, उनका दिमाग कहाँ होता है, पता नहीं क्या सोचती रहती है यार वो। उसने उसको शादी के वक्त देखा, देखकर जज्बाती होगी, पागल होगी, दैट्स इट। वैसे जो भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ, उसे निकाल से जितनी उम्मीद थी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो। अच्छा मुझे एक बात बता, निकाल ने उसे सच में शादी की थी? क्योंकि ऐसी लड़कियां यूजुअली इतनी जरूरत का काम करती नहीं। कोई शादी वादी नहीं थी, सब कुछ ड्रामा था। अच्छा, मगर मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुमने अपनी गाड़ी निकाल को दे रखी है जबकि लड़की तुम्हें अभी तक नहीं मिली। हाँ यार, मिलेगी, अब तो लाजमी मिलेगी। मुझे इसी दिन का इंतजार था कि निकाल के गले में मेरी बहन के नाम का पट्टा होगा, वो उसका हाथ छुड़ाकर अमल का सेवियर बनने की कोशिश भी नहीं कर सकता, और अब वो किस मुंह से बचाएगा उसे? अब अमल की जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हुए बुटीक चली जाऊंगी, ठीक है? घर? हाँ, घर तो जाना ही होगा ना, तुम इतने दिन यहाँ तो नहीं रह सकती ना। हाँ जाना तो पड़ेगा, लेकिन अब तुम क्या करोगी? नौकरी तो रही नहीं, तो क्या सोचा है? फरनाज, वो मेरा एक काम कर दो प्लीज, मुझे कहीं जॉब दिलवा दो यार, अम्मी को पता चल गया ना कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो तुम्हें पता है वो मेरा क्या हाल करेंगी, कुछ कुछ मदद कर दो प्लीज। तो तुम अभी अभी एक काम करो, अम्मी को घर पे कुछ नहीं बताओ, कह दो कि मैम के बेटे की शादी है इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए बुटीक बंद कर दी। मैं एक काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जल्द अज जल्द किसी नौकरी का बंदोबस्त करूँ। ले अमन,
हौसला करो, ये पता नहीं तुम्हें जिंदगी में क्या क्या कुछ देखना है। हिम्मत करो, मैं बैग लेके आती हूँ फिर निकलता हूँ। घर कैसे जाऊँ? मैं इस लड़की की जुर्रत पर अब तक हैरान हूँ। शक्ल से ऐसी तो नहीं लगती थी वो। देखो तो सही जरा, हमारे साथ रही इतने दिन तक, हमारे घर में खाया पिया और देखो क्या करके चली गई। वैसे एनी बिल्कुल ठीक कहती है, ये जो मिडिल क्लास घराने की लड़कियां होती हैं ना, ये दौलत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं तो अब तक हैरान हूँ, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? अब सकीना किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता कि वो क्या करेगा, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे बेइज्जत किया ना, मैं उसका बदला जरूर लूंगी। तो अब क्या करेंगी कुलसुम बीबी? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे मेरे खानदान की इज्जत, मेरी इज्जत को सबके सामने उसने इस तरह से नीलाम किया है, और तो और एनी और मिकाल के बीच में उसने शक पैदा कर दिया। तुम देखना इस बेइज्जती का बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। क्या? अच्छा तुम जरा किचन देखो जाकर। जी। अरे भाभी अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए। अभी ये सबकी क्या जरूरत है, ये तो पुरानी रस्म है। अगर कल जो तमाशा हुआ वो ना हुआ होता तो मैं यकीनन नाश्ता मुलाजमों के हाथ भिजवाती, लेकिन इन हालात में मुझे अपनी बेटी से मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है एनी? एनी वो अपने रूम में है, बुलाती हूँ मैं। ये लीजिए, आ गई। जान कैसी हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। श्योर? तुम इतना खुश और मुतमईन देख कर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया। अब निकाल का है? अभी तक सो रहा है। तुम ठीक हो ना? मैं उसे जगा कर लाता हूँ। अम्मी हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। फरनाज मेरी बात ध्यान से सुनो और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, जिस पे मुसीबत आई होती है ना, और जो मुसीबत में साथ देता है, तो याद रखो मुसीबत उसके घर का रास्ता देख लेती है और उसका दामन नहीं छोड़ती है। मैं तुमसे इसीलिए कह रही हूँ कि इस लड़की का साथ छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में भी बेहतर है और मेरे भी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर उसने सुन लिया? सुन ले, बात करती हैं आप। चलो अमल देर हो रही है। Good morning. Good morning, brother-in-law. तुम यहाँ सो रहे थे? Not good. Not good at all. मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी। सुबह सुबह क्यों नाजिल हुए? तुम्हारी शक्ल देखने। कल तो तुम्हारे रंग उड़ गए थे जब उसने सबके सामने। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये सारा फसाद तुम्हारा फैलाया हुआ है। मैं तो उसको जानता तक नहीं था। तुमने उससे मिलवाया और वो घटिया शर्त। I know, लेकिन गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता, और जो हो चुका उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। एक काम हो सकता है, तुम बेकार की चीजों में अपना वक्त जाया करना बंद करो और फोकस करो इस बात पे कि तुमने मेरी बहन को खुश रखना है, और अगर तुमने उसे खुश नहीं रखा तो मैं और मेरे डैड तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। आई होप यू क्लियर ऑन द सब्जेक्ट। एनीवे नाश्ते के लिए आ जाओ। आप सबको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैं पजेसिव हो रही हूँ, शक कर रही हूँ। बस बेटा वो मिकाल और शामिर आ जाए ना तो फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। मैंने फूफू जान से भी कहा था, वार्न किया था ना मैंने आपको, आपने मेरी बात नहीं मानी। मानी होती तो कल जो हुआ वो ना होता। यानी ठीक कह रही हो,
मुझे बाकी तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मगर मगर क्या कसूर? भाभी वो एक बहुत गरीब लड़की है, मैंने तरस खा के उसे रख लिया था। उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, उसका बाप भी नहीं, बस यही वजह थी मुझे वाकई उस पर तरस आ गया। अपनी गुर्बत और मुफलिसी को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा मंसूबा बनाया था। मुझे तो हैरत है उस लड़की की हिम्मत पर, ऐसे कैसे वो सब कुछ कर सकती है? उसने क्या सोचा नहीं होगा कि हम उसकी बात पे पार नहीं करेंगे? अच्छा खैर, आप लोग फिक्र मत करें, मैं अपना शक खुद दूर कर लूंगी। हैरत है, शादी खत्म होती उन्होंने तुम्हें रवाना कर दिया? जी अम्मी। वलीमे में नहीं जाओगी क्या? क्या मतलब, उन्होंने तुम्हें वलीमे की दावत भी नहीं दी? हैरत है, इतने दिन तक तुमने वहाँ काम किया, उन्होंने तुम्हें कोई गिफ्ट, कोई इजाफी रकम वगैरह कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया मैं। अपने साथ ले जाते वक्त तो बड़ा वो कह रही थी, हम तो ये हैं, वो हैं, मैं तो बेटी समझ के रखूंगी। हाँ दे वैसे मम्मी, आपको हर वक्त पैसों और गिफ्ट की लालच पड़ी रहती है। हाँ तो क्या नहीं होनी चाहिए? अरे मैं तो यही समझ रही थी ना कि वो 6-7 जोड़े देंगी। इतने दिनों से घिसे पिटे कपड़े पहन रही हूँ, एक नया जोड़ा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने ऐसे ही रवाना कर दिया। वैसे हद है अमल, बेचारी अम्मी तुम्हारे आश्रय में थी, अरे मांग कर ले आती ना कपड़े। वैसे भी मासी और नौकरानियां मांग कर ही चीज लेती हैं। तो चुप कर, बकवास बंद कर अपनी, मैं तेरा ना मुंह तोड़ के रख दूंगी नौशाबा। क्या बात है, तो मुझे कुछ परेशान लग रही हो? नहीं अम्मी, ठीक हूँ मैं। आपकी आंखों में ना दूरबीन लगी हुई है। लो इन्हीं की कमी थी, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तुम तो एक साल से रोजे रख रही हो ना, शाम को नमक पानी से इफ्तार करती हो, एक दाना खाने का नहीं खाती। बताऊं अभी? बस बंद करो, बस करो, हर वक्त घर को मैदान जन्म बनाया होता है। चुप करो, उसको कराए ना चुप। उसको क्या हुआ है? बात सुनी, मुझे लग रहा है कोई तो बात है, ये परेशान लग रही थी। हाँ कोई बात है तो जरूर, जो हमसे छुपा रही है ये। तुमने अपनी फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? इंसल्ट नहीं की, सिर्फ शक किया। तो क्या मुझे हर रोज तुम्हारे इस किस्म के रवैये और शक का सामना करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि मैं ऐसी हूँ और मैंने ये कभी तुमसे छुपाया नहीं, शुरू से बताती आ रही हूँ कि मुझे धोखा मत देना। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? मुझे नहीं पता, तो तुम मुझे बताओ। मैं बता चुका हूँ, वो झूठ बोल रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी स्टेटमेंट सुन चुकी हूँ, जब यकीन कर लूंगी तुम्हें भी समझ आ जाएगी। तुम टॉर्चर कर रही हो ना मुझे? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? आर यू सीरियस? मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा मेरी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड लेते हो, या तो मेरा मजाक उड़ाते हो, कभी मुझे इग्नोर करते हो, या फिर कभी मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी वो, तुमने वो भी बर्बाद कर दी। मैंने नहीं की, तुम जानती हो मैंने नहीं की। हाँ किसी और ने की, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं की। यानी तुम्हें जूबी याद है ना, उसने मेरा नाम लेकर क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में कुछ भी प्रूव हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। इसे क्या देख रही हो, कुछ तो बोलो। मैं ये देख रही हूँ कि या तो तुम दुनिया के सबसे हसीन तरीन मर्द हो, उसके साथ होने के लिए, जिसके साथ नाम जोड़ने के लिए तुमने की सारी औरतें झूठ बोलती रहती है, या फिर तुम झूठे हो और तुम दुनिया की सारी औरतों को बेवकूफ कर रही हो। तुम्हें बेवकूफ नहीं बना, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो?
निकाल से क्या देख रही है? मेरे साथ आओ, जरा बात करनी है तुमसे। वो अपनी माँ के साथ अपने घर चली गई है। कौन, मैनी? और क्या कर गई है कि दो घंटे अपने बाप से बात करने के बाद वापस आएगी। तो उसमें बड़ी बात कौन सी है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही? परेशान मैं इसलिए हो रही हूँ कि जो बात मैं तुमसे पूछने वाली हूँ ना, मुझे उसका सच से जवाब दो। देखो झूठ मत बोलना। पूछिए। क्या तुम अमल को पहले से जानते थे? क्या कह रहे हैं? अब आप भी मामू की तरह मुझसे सवाल करेंगे? एनी की तरह मुझ पे शक करेंगे आप? नहीं, लेकिन ये बात मैं किसी वजह से पूछ रही हूँ। क्या वजह? एनी के कहने की वजह से मैं उसे यहाँ से भेजने वाली थी, याद है ना? और तुमने मना किया था। जी जी मुझे याद है। उस वक्त तुमने उसकी हिमायत की थी और तुमने उसे रोका था, जाने नहीं दिया था। पूछ सकती हूँ क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? कैसी बातें करें, अब जरा खुद सोचें। आपको लगता है कि मैंने खुद उसे घर में रोका था कि एन शादी वाले दिन वो तमाशा कर सके? क्या हो गया आपको? मैं ऐसा क्यों करूंगा? जैसे आपने उस पे तरस खाया था ना, आपको लगा कि उसे पैसों की जरूरत है, उसे जॉब की जरूरत है, ऐसे मैंने भी तरस खाया था उस पर। मुझे लगा आपकी हेल्प कर रही है, कुछ दिन काम करेगी, उसके पैसे और बढ़ जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वो ऐसी घटिया। खैर इस बात को करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो बात करने का फायदा क्या है? अरे बेटा बात सुनो मेरी, निकाल, यहाँ मेरे पास बैठो, बैठो बैठो यहाँ पर। निकाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अगर ये सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन भी हो जाएगी ना और तुम पर एतबार करना छोड़ देगी, मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात एनी की, तुमसे थोड़ा सा वक्त, मैं समझा दूंगी उसे, वो समझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। प्लीज। अरे ये तो मेरे रोब दाब की वजह से लोग हमारे सामने बातें बनाने से गुरेज करते हैं, वरना हमारी पीठ पीछे तो हर बंदा बात करता होगा। अरे लोगों का काम और है क्या सिवाय बातें बनाने का? करने दो उनको बातें, मत परवाह करें, एक दफा वलीमा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी की शादी हो चुकी है, वो इस घर का दामाद है। आपके इस किस्म के सवाल से हमारी बेटी का घर खराब हो सकता है। मुझे पता है मेरी बेटी शादी शुदा है खदीजा, लेकिन क्या मैं खुद को इसकी तरफ से परेशान होने से रोक लूं? बताओ अपने डैड को। कुसुम बता रही थी ना कोई गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और आए दिन उधार मांगती रहती है, और ये सब कुछ पैसों की वजह से हुआ है, कह रही थी ना उस दिन वो, तो बताओ उनको। अरे देखा, कर दिया ना नाराज, शक और सवाल आपके खत्म ही नहीं होते बिल्कुल। एनी बेटा, क्या हो गया बेटा? मेरी जान, मैं जानती हूँ मर्द काबिल एतबार नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम किसी तीसरे के कहने से अपने रिलेशंस खराब कर रही हो। बाबा कोई तीसरे थोड़ी है, उन्हें मेरी फिक्र है, इसलिए वो यही सब कहते हैं। मैं उनकी नहीं, उस लड़की की बात कर रही हूँ, खुदगर्ज और लालची लड़की। उसको मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी कि तुम्हारी ये खूबसूरत दिन छीने। मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। Trust me, बेटा। एनी? डैड। देखो मुझे सच से पता, तुमने उस लड़की के बारे में जो कुछ कहा है वो सच कहा है ना? Of course, डैड, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा?
ये निकाल कुछ ना कुछ फ्लर्ट तो करता ही था, लड़कियों से दोस्ती भी करता था, लेकिन शादी नहीं कर सकता। अच्छा तुम मेरा एक काम करना होगा। बताएं। तुम्हें मिकाल पे नजर रखनी होगी, और ये काम तुमने मिकाल का दोस्त बनकर नहीं, एनी का भाई बनकर करना है। आप दोनों ही आए, मैं तो समझी थी कि एनी भी आप लोगों के साथ होंगी। वलीमे के बाद दुल्हन अपने मायके चली जाती है, कल जाएगा लेने के लिए मिकाल उसे। हाँ अच्छा अच्छा। चाय बेगम सर। चाय रख दिए तो जाइए ना, जाके आप भी आराम कर लीजिए। वो बेगम साहिबा, दो तीन दिन से मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। बोलिए क्या बात है। वो आपको तो पता है, मिकाल बाबा को तो मैं बचपन से ही देख रही हूँ, मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज है, ये तो आप जानती है ना। अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको जो बात भी करनी है प्लीज जल्दी से कीजिए और मुख्तसर कीजिए, मैंने कहा ना मैं बहुत थकी हुई। देखिए वो लड़की जितने दिन भी इस घर में रही है, वो मिकाल बाबा के कमरे की तरफ ऐसे देखती थी जैसे उनसे कुछ पता नहीं क्या कुछ हासिल करना चाहती है। क्या वाकई? अरे एक दफा तो वो अपने हाथ से कॉफी बनाकर मिकाल बाबा के कमरे में भी ले गई थी। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं बेगम साहिबा, वो शक्ल से भी तो कितनी मासूम लगती थी, किसी शरीफ घर की बेटी लगती थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि अपने मिकाल बाबा के लिए ये सब कहेंगी। इसका मतलब है जब तक वो इस घर में रही, मिकाल को फांसने की कोशिश करती रही, और जब वो अपनी चाल में कामयाब ना हो सकी तो शादी वाले दिन उसने ये सब तमाशा किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देखना मैं उसके घर जाकर उसकी खबर लूंगी, ये घर का चैन सुकून बर्बाद करने के लिए। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। आज उसका वलीमा भी हो गया, दौलत इन अमीर साधों के कैसे कैसे ऐप छुपा देती है, कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, इनका गिरबान नहीं पकड़ सकता। अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी को इतना ढीला क्यों छोड़ रखा है? हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। घर पे कोई मसला तो नहीं हुआ? अम्मी को कुछ नहीं बताया अभी तक, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारे हवाले से तमाम बुटीक्स पर बात फैल गई है। कौन सी बात? यही कि तुम पहले मैम कुलसुम की बुटीक पर काम करती थी, फिर उनके बेटे। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? देखो मैम कुलसुम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें मशहूर कर दी, और तुम्हें किसी भी बुटीक में जॉब मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि शायद नामुमकिन हो।
छत में छेद करने का इरादा है? अरे महारानी साहबा, कब तक ऐसे लेटी रहोगी? मैडम के तुम्हारे बेटे की शादी कल खत्म हो गई, क्या आज बुटीक नहीं खुलेगी? अजीब अमीरों के चौंचले, शादी वहाँ हो रही है और मातम का ऐलान यहाँ हो रहा है। अम्मी पैसे दे, अम्मी बैलेंस चलवाना है। और बात सुन, अगर तेरी मैडम तुझे पैसे ना दे ना तो मुझे बताना, अगर वो छुट्टियों के पैसे काटेगी तो मैं जाके ना उसकी चिट्ठियां उसको पकड़ूंगी। और सुन, इस घर में जो सोने की ईंटे लगी हुई है ना, उनमें से बेटा एक ईंट तू निकाल ले और वो ईंट निकाल के मेरे सर में मार, ताकि मेरा तो खात्मा हो इस घर से। अमल बाजी, आप ही पैसे दे दें, मोबाइल में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। मेरे पास खुले पैसे नहीं है यार। सीधा सीधा बोल दें, आपने भी मुझे पैसे नहीं दे, फालतू में बोल के अपनी इज्जत खराब। मुझे मोहब्बत पर एतबार नहीं था, किसी लड़की पर एतबार नहीं था, मैं इस हद तक उसके साथ क्यों गया? उसके साथ ये सब करने के बाद मैं यहां क्या लेने आया हूं? आदिल, आदिल, तुमने यहां फोन किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो क्या करोगे? धमकी दे रहे हो मुझे? मिलूंगी तुमसे, अब तुमसे मुलाकात अदालत में होगी। हाँ, अगर अपनी अपनी मजबूरी और गुर्बत की वजह से अदालत नहीं जा सकी तो अल्लाह की अदालत का इंतजार करूँ और हशर के मैदान में तुम्हारा गिरेबान पकड़ के तुमसे हाँ पूछूंगी। किसका गिरेबान पकड़ने की बात हो रही है? मैडम आई है नीचे, फटाफट आओ, तुम्हें बुला रही है। जी, तुम इतनी नीच और इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? मैंने भरोसा किया तुम पर, तुम्हें अपने घर में रखा और तुमने क्या किया? मेरे बेटे पर तुम जाल डालती रही? क्या हो गया बेगम साहिबा, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? आराम से बैठ के बात करें। ये तो आप अपनी बेटी से पूछें कि हुआ क्या है। अमन, क्या कह रही है तुम्हारी बेगम साहिबा? क्या किया इसने? इसने इसने हमें सबके सामने जलील करके रख दिया, मेरे पूरे खानदान को रुस्वा किया इसने, मेरे बेटे को बेइज्जत किया इसने। अरे तुम तो कह रही थी कि बुटीक बंद है, उन्होंने तुम्हें छुट्टियां दे दी हैं, तो फिर ये सब क्या है? अव्वल नंबर की छुट्टी है ये कि मासूम शक्ल लेके ना नौकरी करने घर से निकलती है और फिर अमीर लड़कों को फंसाती है और अपनी यतीमी को कैश कराती है।
अगर अमीर लड़के इसके जाल में ना फंसे तो उनको बदनाम करने की कोशिश करती है ये। चुप हो जाएं हाँ, चुप हो जाएं खुदा के लिए। क्यों चुप हो जाऊं? सारे जमाने के सामने हमें जलील कर दिया है। और अब मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारी माँ को भी ना बताऊं? क्या है इसकी असलियत? मुझे भी तो पता चले, बताएं मुझे क्या किया इसने। आपकी बेटी ये कहती है कि मेरे बेटे ने शादी की है इससे। आई नो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। झूठ बोल रही है। अमल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी मैडम क्या कह रही है? तुमने इनके बेटे से भी शादी की है? हाँ? भी? क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी बेटी की और भी शादियां हो चुकी हैं। चुप हो जाएं आप, चुप हो जाएं प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठी नहीं हूं अम्मी। इन्हीं के बेटे से मेरा निकाह हुआ है, इनका बेटा मेरा शौहर है। मैं झूठ नहीं कह रही, बाबा ने जिस शख्स से मेरा निकाह करवाया था वो इन्हीं का बेटा है। अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा है? जी अम्मी, वो इन्हीं का बेटा है। बताओ, वो तुम्हारा बेटा था ना जिसने हमारा पूरा घर तबाह करके रख दिया, हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या हो गया आपको और कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कहा ना, आपकी बेटी झूठ बोल रही है। वो झूठी बोल रही है, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे बताओ, वो तुम्हारा बेटा था ना जिसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की, हमारा घर खत्म करके रख दिया? अजीब औरत है आप। अरे बजाय इसके कि आप अपनी बेटी से सवाल करें, आप उल्टा मुझी को डांट रही है। अच्छा, अब समझ में आया, ये अकेली नहीं है, इसके साथ आप भी मिली हुई है। आप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जाइए। क्या मैं दुल्हन हूँ?